भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार हैं, आइए आज हम उनके पत्नियों के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ भोजपुरी में जितने भी नायक हैं, खलनायक हैं, सभी की पत्नियों से आज हम आपको इंट्रोड्यूस भी कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भोजपुरी के महानायक कहे जाने वाले रवि किशन से। जी हाँ, रवि किशन की पत्नी का नाम है प्रीति, और प्रीति काफ़ी एक्टिव है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रीति वैसे तो सोशल मीडिया पर उतनी एक्टिव नहीं रहती, लेकिन रवि किशन के साथ वो बॉलीवुड की कई पार्टीज़ में आपको नज़र आ जाएंगी। साथ ही साथ रवि किशन के साथ वो उनके संसदीय क्षेत्र भी जाना बिल्कुल नहीं भूलती। अब आइए मिलते हैं मनोज तिवारी की पत्नी के साथ। ये बात और है कि मनोज तिवारी और उनकी पत्नी रानी में डिवोर्स हो चुका है, लेकिन इन दोनों ने अलग होने के बाद दूसरी शादियां नहीं की, और आज ये दोनों एक दूसरे से अगर बंधे हैं तो अपनी बेटी की वजह से। तो ये है मनोज तिवारी की पत्नी रानी। अब आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं पवन सिंह की पहली पत्नी से। जी हाँ, पवन सिंह की पहली पत्नी वैसे तो रीना रानी है। पवन सिंह ने दूसरी शादी की नीलम से, लेकिन नीलम सिंह ने आत्महत्या कर ली। तब नीलम के आत्महत्या के बाद तकरीबन 5 साल बाद पवन सिंह ने शादी की ज्योति सिंह से, यानी कि कुल मिलाकर पवन ने 3 शादियाँ की। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की पत्नी का नाम है चंदा यादव। चंदा यादव मीडिया में काफ़ी चर्चित नाम है। इन पर बनने वाली स्टोरीज के व्यूज़ बस देखते जाइए। खैर, आगे चलते हैं और बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी तो वैसे बहुत ही शाय है। बताया जाता है मीडिया के सामने इन्हें आना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बिल्कुल दूर रहती है, लेकिन अपने बच्चों के साथ वो काफ़ी एक्टिव हैं, और अपने बच्चों की स्कूलिंग से लेकर हर एक चीज़ का वो ध्यान रखती हैं। तभी तो भले ही निरहुआ के इंस्टाग्राम पर वो कभी नहीं दिखी हो उनके साथ, लेकिन उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो नज़र आई। जी हाँ, ये हैं उनकी पत्नी मनसा यादव। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यश मिश्रा की। जी हाँ, यश मिश्रा ने कभी अंजना सिंह से शादी की, और अब ये दोनों भले ही अलग रहते हों, लेकिन अभी तक इन दोनों के बीच इनकी बेटी की वजह से डिवोर्स नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों की बेटी अदिति इन दोनों की जान है। अब बात करते हैं देव सिंह के बारे में। जी हाँ, खलनायक देव सिंह की पत्नी भी काफ़ी खूबसूरत हैं, और ये सोशल मीडिया में अपने पति के साथ ही एक्टिव भी रहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं संजय पांडे की तरफ। जी हाँ, संजय पांडे की पत्नी काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, और संजय पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। अब बात कर लेते हैं अवधेश मिश्रा की। जी हाँ, अवधेश मिश्रा की पत्नी वैसे तो डांसर हैं और बहुत ही अच्छा डांस करती हैं, तो आप मिल लीजिए इनकी पत्नी से भी। तो ये थे भोजपुरी के कई टैलेंटेड एक्टर और विलन, जिनकी पत्नियों को देखने के बाद आपके मन में ख्याल ज़रूर आया होगा, भाई ये कितनी खूबसूरत हैं, और आज इन्हीं की बदौलत इनका घर परिवार बसा हुआ है। हाँ, ये बात और है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी स्टार हैं और जितने भी विलन हैं, उनकी पत्नियां बॉलीवुड स्टार की तरह इतनी ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती, लेकिन वो अपने पति के हर करियर के उतार चढ़ाव में, संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। इसलिए स्पेशल भोजपुरी इन सभी को सल्यूट करता है।